बॉबी ने तो जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपना ही बना लिया। नेटफ्लिक्स पर क्लास ऑफ 83 से डेब्यू करने के एक हफ्ते बाद ही एमएक्स प्लेयर पर रिलीज हो गई है प्रकाश झा की आश्रम, और बॉबी पहली बार के लिए एक बाबा का कैरेक्टर प्ले किए हैं बिल्कुल नए अंदाज में। क्राइम थ्रिलर ड्रामा वाले इस सीरीज को आप एमएक्स प्लेयर पर बिल्कुल फ्री देख पाएंगे। सीरीज के शुरुआत में ही बता दिया जाता है कि ये बिल्कुल ही फिक्टिशियस कहानी है और इसका मकसद किसी भी प्रकार के जाति या मजहब के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बाबा निराला काशीपुर वाले समाज में हुए अन्याय के खिलाफ खड़े होते हुए दिखते हैं और समाज से प्रताड़ित लोगों को अपने विशाल आश्रम में पनाह देते हैं, जहां स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से लेकर हर एक सुविधा उपलब्ध है और सभी बिल्कुल फ्री। समाज से प्रताड़ित महिलाओं का सामूहिक विवाह करवाकर समाज के सामने मिसाल भी कायम करते दिखते हैं। ऊपर से बाबा जी सेवादार की नौकरी करने वालों को अच्छी सैलरी भी देते हैं, साथ में रहना खाना भी मुहैया कराते हैं। जपनाम करते करते लोग अपनी पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस छोड़कर बाबा के आश्रम में आते हैं। और तो और बड़े बड़े नेता मंत्री लोग भी बिन बाबा के अपने आप को कुछ नहीं समझते। बाबा कभी किसी को आश्रम में आने या रहने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं और कठोर परीक्षा लेने के बाद ही आश्रम में रहने की इजाजत देते हैं। हालांकि बाबा कुछ चाहे और कोई मना करे ऐसा भी नहीं हो सकता, जैसे कि उस आईजी को लड़की के साथ और टिंका सिंह जैसे रैपर को ड्रग्स के साथ पकड़वाना हो बाबा जी पीछे नहीं हटते। फिर तो सबके मुंह से बाबा निराला काशीपुर वाले जपनाम जपनाम। इन कामों में बाबा जी को हेल्प करते उनके सबसे खास गोपा जी। पैरेलली दूसरी तरफ कहानी की शुरुआत में लड़कियों की दंगल में अच्छा खेलने के बाद भी परमिंदर लोचन उर्फ पम्मी को हारते हुए दिखाया जाता है, वो भी सिर्फ नीच जाति होने की वजह से। समझ में आ जाता है कि सामाजिक मुद्दों से मुंह नहीं फेरती है ये सीरीज। पम्मी की रोल में है अदिति पोहानकर। इधर पम्मी के भाई शक्ति को इजाजत नहीं है कि बड़े जात वालों के एरिया से शादी के दिन भी वो घोड़ी पर चढ़कर जा सके। इधर एक बिल्डर के जमीन खुदाई के वक्त एक स्केलेटन मिलता है और डिपार्टमेंट के ना चाहते हुए भी इंस्पेक्टर उजागर सिंह बस अपनी अंतरात्मा जागने के वजह से उसकी तह तक जाना चाहते हैं। और उनकी अंतरात्मा जगाने वाली और कोई नहीं, लाशों की पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर नताशा है। इन दोनों के कैरेक्टर प्ले किए हैं दर्शन कुमार और अनुप्रिया गोयंका ने। इंस्पेक्टर उजागर सिंह का चेला साथ ही हवलदार का किरदार में है विक्रम कोचर। दोस्तों आखिरकार ये बाबा निराला है कौन और इनका पास्ट ही क्या है? ये सही मायने में कोई बाबा है या बाबा जी के भेष में कोई दुष्ट आदमी? और उनके आश्रम में क्या होता है, आस्था या अपराध, भक्ति या भ्रष्टाचार? सारे जवाब मिलते हैं 40-45 मिनट के 9 एपिसोड्स वाले आश्रम सीरीज में। इस सीरीज की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो है ऑडियंस को आखिर तक बांध के रखना। जी हाँ दोस्तों, मुझे सच में पता ही नहीं चला कि मैंने कब शुरू किया और कब खत्म। एक्टिंग की बात करें तो शरीफ इमेज वाले बाबा जी के रोल में बॉबी बहुत अच्छे थे, पम्मी के रोल में अदिति पोहानकर, उसका भाई शक्ति के भोला सरल रूप में तुषार पांडे, एएसआई के रोल में दर्शन कुमार, बाबा जी के मेन सहायक भोपा के रोल में चंदन रॉय सान्याल अच्छे रोल किए हैं, डॉक्टर के रोल में अनुप्रिया गोयंका का कुछ खास मुझे लगा नहीं, विक्रम कोचर जिन्होंने रक्तांचल में बहुत दमदार रोल में दिखे उनको यहाँ पे पता नहीं मुझे क्यों यूटिलाइज ही नहीं किया गया। बाकी कहानी तो ठीक ठाक था ही, इसका एंडिंग कुछ स्पेशल नहीं लगा क्योंकि एंडिंग में सिर्फ सीजन 1 के पार्ट 2 का प्रीकैप दिखाया गया है, इसका मुझे कुछ खास जमा नहीं। मैं इस सीरीज को देता हूँ 5 में से 2.5। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।